विकास पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, यहाँ की मुखिया, हमारे विधायक प्रतिनिधि रमन जी, यहाँ हमारे साथ आए हुए हमारे साथी अमर जी, धनंजय जी और यहाँ उपस्थित तमाम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों। हेलो गाइस, तो मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप लोग? और सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और हम अपना गांव बरमसिया में हैं। तो आज जो है ना, सरसों पटाने का ड्यूटी मुझे मिला है, मतलब सरसों पे पानी देना है आज। तो मशीन जो है हम लगा चुके हैं, क्योंकि अकेले थे तो दिखा नहीं पाए। मेरा बिग ब्रदर लाइन तार खींच के जो है ना ओके करके चला गया, और हमको मुझे अभी फिलहाल तो हम अकेले हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरा सरसों है, यहाँ पानी हल्का हल्का जो है ना आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या होता है, कितना देर लगता है, नहीं लगता, क्योंकि बोने के बाद फर्स्ट टाइम आज पटवन कर रहे हैं। थोड़ा नज़ारा ले लीजिए सरसों का। ये है मेरा सरसों, अभी 10 मिनट हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, और लगभग लगभग जो है ना आधा सरसों कंप्लीट हो चुका है। और बीच में हम गए थे नाश्ता के लिए, अभी घड़ी में 9 बज रहा है। देखिए इसके बाद और आज क्या काम मिलता है कि दिन भर मेरा इसी में बीतता है। बहुत धीरे धीरे पटवन हो रहा है, और फाइनली जो है ना मेरा सरसों पटवन होके कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे घर की ओर। पाइप इसलिए नहीं समेट सकते हैं क्योंकि मेरा बेटा भी जो है ना सरसों पटाएगा अपना, तो मेरे खेत होके ही जो है ना पाइप पार किया है, वो आपका वहाँ पे पटाएगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा राहत मिला। अब जाएंगे नहाएंगे धोएंगे, उसका फ्रेश होंगे, देखते हैं और कुछ काम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जैसे कि आपको बताए थे, सरसों पटवन ख़त्म हो गया था मेरा, तो थोड़ा अपना पंचायत का नज़ारा देखने के लिए आए हैं आज। कुछ यहाँ पे शायद रोजगार मेला टाइप से लगा है, तो वही सोचे जरा क्या है, कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। क्या है छोटन्नू? हाँ। मतलब प्रेमलाल, मतलब मेरा छोटन्नू, देखते हैं यहाँ का माहौल क्या है। अभी तक तो पता नहीं है, बस ऐसे भी पहुँचे हैं, थोड़ा लेट है, बस बहुत लेट है, और घड़ी में भी 2 बज गया है। मिल ले आगे वीडियो साहब और उपस्थित हमारी मुखिया पर, चाहे वो आवास ना हो, प्रधानमंत्री आवास ना हो, चाहे वो आपका पेंशन का हो, चाहे आप विकलांग पेंशन। विकास पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, यहाँ की मुखिया, हमारे विधायक प्रतिनिधि रमन जी, यहाँ हमारे साथ आए हुए हमारे साथी अमर जी, धनंजय जी और यहाँ उपस्थित तमाम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इस सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को सफल करने में लगे तमाम प्रखंड के पदाधिकारी, प्रखंड के कर्मी, उनके तमाम सहयोगी, हमें लगता है कि पूरी बात इतने दिनों से सरकार आपके द्वारा आपके अधिकार कार्यक्रम चल रहे हैं, आप सब के ध्यान में आ गया है। और हमें लगता है कि पहली बार किसी सरकार ने झारखंड बनने के बाद यह प्रयास प्रारंभ किया है कि पूरी व्यवस्था को आपके दरवाजे पर भेजी जा रही है। वीडियो सीईओ, कर्मचारी, उनके समस्त सहयोगी, मुखिया, पंचायत सेवक, जन सेवक, विधायक, सारे लोग आपके दरवाजे पर आए हैं और सरकार की एक एक योजनाओं का लाभ देने के लिए आपको सहयोग करने के लिए। और ऐसे में से यह जो सरकार है, यह बिल्कुल गरीबों के एक एक लोगों की परेशानियों को दूर करने में लगी है। और जैसा आप सब जानते हैं कि 29 तक यह कार्यक्रम चलेगा। मैं अभी वीडियो साहब से पूछ रहे थे कि आपका कब खत्म होने वाला है। इनका अंतिम पंचायत 27 को है और 29 को पूरे प्रदेश का खत्म होगा। और मैं जहां गया हूं, केवल अपने क्षेत्र नहीं, दूसरे जगह भी जाने का मौका मिला। अभी हाल के दिनों में पूरे प्रमंडल का मेगा संपत्ति वितरण कार्यक्रम हुआ, अपार भीड़ थी दुमका में, खुद मुख्यमंत्री थे, कई मंत्री थे, पूरे संथालपाड़ा के सारे विधायक, सारे डीसी, सारे एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, तमाम लोग थे। वहां भी एक भव्य कार्यक्रम हुआ कि परिसंपत्तियों का वितरण हुआ, सीधे जनता के लाभुकों के हाथ में दिया गया।
और मैं इतना प्रभावित हूँ इस कार्यक्रम से कि मैं कह सकता हूँ कि 23 वर्षों के राजनीतिक जीवन में जितना बेहतर कार्यक्रम सीधे जनता के लिए इस सरकार ने किया है अब तक किसी सरकार ने नहीं किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए सब लोगों की ताली इस बेहतर काम के लिए एक बार बजना ही चाहिए इस सरकार के लिए। बहुत अच्छा काम है भाई। जो बात अभी वीडियो से आप बता रहे थे कि आप सोचिए कि एक विधवा जाती थी आवेदन लेकर के मेरे पास और कहते थे कि विधायक जी एक पेंशन दे, हम नहीं दे पाते थे, चाह करके भी नहीं दे पाते वीडियो के पास। तो जैसे कि बताए थे अपना पंचायत में ना रोजगार मेला लगा हुआ था, मतलब यहाँ पे हमारे विधायक जी आए हुए थे, मुखिया उखिया सब थे, तो जो जो समस्या था यहाँ पे सबका नोट कर लिया गया। यहाँ पे वीडियो साहब भी आए थे, देखिए थोड़ा। ये थे प्रदीप यादव पुड़िया विधायक, पुड़िया विधायक। तो अपना पंचायत भ्रमण करने के बाद फिर से अपना गांव मतलब बैलगाड़ी पे बैठे हुए और जो ये फंसा के रखा है, मतलब ये भी सरसों पटा रहे थे, कंप्लीट भी हुआ नहीं है, शायद बहुत रात हो जाएगा, देखिए क्या होता है। शाम तो हो गया है, आज तो दिन भर कुछ किए नहीं, दिन भर भी सरसों पटाए, उसके बाद और कुछ नहीं, सरसों में पानी डाले। अभी सरसों में बहुत लेट से पानी जाता है, 4 घंटा 5 घंटा ये खेत में लगता है। देखिए अब शायद नदी तरफ जाएंगे या बॉल खेलने जाएंगे, फुटबॉल मिलते हैं। और जा रहा है नदी तरफ, शाम का अभी 4:30 बज गया है, देख रहे बच्चा लोग फुटबॉल खेल रहा था, आज टाइम मिला नहीं हमको खेलने का, चलिए मिलते हैं आगे। और ये है मेरे गांव के बच्चे और ये मेरा गांव का फील्ड, और यहाँ देखिए मेरे गांव के बच्चों में इतना खिलाड़ी बहुत ही की फुटबॉल खेलता मजा आवा नहीं डाना है वो दे रखा है देखा ना। हमारे गांव के बड़े प्लेयर इधर मारता है तो गोली सहित गोलकीपर बाहर हो जाता है। गांव के अच्छे अच्छे बदमाश बच्चे भी है। आज हम खेलने नहीं आए बट खेलते हैं थोड़ा थोड़ा, इतना ज्यादा तो नहीं। अब ये जुनून देख सकते हैं। तो गाइस आज दिन भर में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, अभी हम अपना सेटअप पे बैठे हैं और कुछ एडिट का काम बाकी है, तो वो मतलब सीख रहे थे, थोड़ा थोड़ा सीखे हैं, उतना ज्यादा तो नहीं बट लेकिन सीख रहे हैं और सीख जाएंगे हमको लगता है बहुत जल्द। और आज दिन भर ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं, सरसों पटवन किए, उसके बाद अपना पंचायत गए जहाँ पर रोजगार मेला लगा था, हमारे विधायक पर जब जाए हुए थे वहाँ पे, और बहुत ही मज़ा आया। और मेरा वीडियो इसी तरह आते रहेगा, तो अभी तक जो नहीं शेयर किया प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।